ओम महागणेशाय नमः। ओम गंग गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ आप सबसे देखिए एक विशेष चर्चा करने के लिए। मेरी विशेष चर्चा का विषय बताऊं और चर्चा करूं उससे पहले आपसे निवेदन करूं कि जो मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन को प्रेस करके उसमें और सेलेक्ट कर लें तो मेरे वीडियो की सूचना स्वतः ही उनके पास पहुंच जाएगी। तो मित्रों अभी मैं क्या चर्चा कर रहा हूँ उसको बताऊँ देखिए, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों में शेयर करेंगे तो और ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा, वो भी और शेयर करेंगे और लाभ मिलेगा। तो मित्रों शेयर करना लाइक करना भी मुझे प्रोत्साहन देगा, मैं प्रोत्साहन मिलेगा तो मैं और वीडियो बनाऊंगा। तो मित्रों अभी मैं चर्चा कर रहा हूं क्या देखिए यहाँ लिखा हुआ है 5 और 6 जून को यानी कल परसों चंद्रदेव और गुरु बृहस्पति का नवम पंचम योग बन रहा है। देखिए कहाँ चंद्रमा जो है चंद्रमा अभी धनु राशि में आएंगे। धनु राशि का मतलब ये चंद्रमा जो है यहाँ पर आ जाएंगे 5 जून को चंद्रमा यहाँ आ जाएंगे। तो 5 जून को चंद्रमा जब यहाँ आ जाएंगे मित्रों तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 गुरु बृहस्पति यहाँ चंद्रमा से पंचम भाव में दूर बैठे हुए हैं। कहाँ मेष राशि यानी पहले भाव में काल पुरुष की कुंडली है ये, मान ली इसमें ये पहले भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं तो चंद्रमा से पंचम स्थान और बृहस्पति से चंद्रमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवे स्थान में तो इसको हम कहते हैं नवम पंचम का नवम पंचम राजयोग भी कह सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त योग है, बड़ा लाभ दिलाता है। तो बृहस्पति और चंद्रमा का नवम पंचम जो योग बना बहुत लाभकारी है। नवम पंचम योग ये डिपेंड करता है किस भाव में चंद्रमा है और किस भाव में बृहस्पति है विभिन्न राशियों के लिए। तो किन किन राशियों को ये बनाएगा करोड़पति, कुछ राशियां तो करोड़पति बनेंगी, कुछ राशियां लखपति बनेंगी यानी कम करोड़पति कह दीजिए, कुछ राशियों के लिए थोड़ा कम अच्छा होगा, कुछ राशियों के लिए ना के बराबर अच्छा होगा, मतलब कुछ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, कुछ के लिए अच्छा और कुछ के लिए सादा। तो सब राशियों की मैं चर्चा नहीं करूंगा, अभी देखता हूँ वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए। तो वो राशियां जिनको करोड़पति बन रही है या उनसे थोड़ा कम लाभ मिल रहा है तो वो देखता हूँ मैं कौन सी राशियां हैं। मैं काल पुरुष की कुंडली से ही सारी राशियों को बता दूंगा भैया, इसके हर कुंडली को बनाया जाए क्योंकि वो केवल खाना घुमाना होता है कि कौन राशि लग्न में आ रही है। तो मित्रों ये बताना है मुझे कि कौन कौन राशि अभी अगले 2 दिन 2 ढाई दिन में करोड़पति लखपति अरबपति बन रही है। क्यों? क्यों बृहस्पति के साथ चंद्रमा का बहुत जबरदस्त नवम पंचम योग बन रहा है। तो अब मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं देखिए, तो जिससे कि बृहस्पति से कृपा पा करके चंद्र से कृपा पा करके बृहस्पति क्या करेंगे धन देते हैं, बृहस्पति नौकरी में ऊंचाई पहुंचाते हैं, बृहस्पति व्यापार में ऊंचाई पहुंचाते हैं, बृहस्पति संतान देते हैं, बृहस्पति प्रेम प्रसंग में सफलता दिलाते हैं, बृहस्पति शादी कराते हैं। तो चंद्रमा का बृहस्पति का चंद्रमा माता का मन का कारक है तो चंद्रमा मन को शांत रखता है, चंद्रमा भी धन देता है, चंद्रमा माता का स्वास्थ्य अच्छा रखता है, चंद्रमा आपका मन जो है जो राहु के कारण विचलित होता है उसको भी कंट्रोल करता है। तो चंद्रमा का और बृहस्पति का जो नवम पंचम योग बन रहा है वो बहुत जबरदस्त किन राशियों के ज्यादा लाभ पाएगा तो वही हम देखते हैं। देखिए पहली राशि हम लेंगे मेष राशि। तो पहली राशि मेष राशि, मेष राशि का मतलब यही कुंडली है, काल पुरुष की कुंडली भी है जो मेष राशि की भी होती है। तो मेष राशि के लग्न में पहले भाव में बृहस्पति विराजमान है, राहु बुध भी विराजमान है, दूसरे भाव में धन भाव में सूर्य है, अभी बाद में आगे चल के बुध भी यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ पर 2 दिन बाद में 7 तारीख को बुध भी यहाँ आ जाएंगे, 3 में कोई नहीं है, चौथे भाव में यानी
सुख स्थान में शुक्र और मंगल बैठे हुए हैं चौथी कर्क राशि में। मंगल यहाँ नीच के हैं, लेकिन एक तरह से मंगल का नीच भंग भी हो रहा है बृहस्पति के द्वारा, और शुक्र भी यहाँ बैठे हुए हैं सौंदर्य प्रसादनों के ऐश्वर्य के कारक, सुख समृद्धि के कारक सब कुछ देते हैं शुक्र। तो शुक्र और मंगल की युति है, शुक्र का यहाँ बैठना भूमि भवन बंगला गाड़ी का बहुत बढ़िया। पांचवा छठा कोई ग्रह नहीं, सातवें में केतु है, पर साथ में देखिए बृहस्पति की दृष्टि भी है, बुद्ध की दृष्टि भी है, और नवे में धनु राशि में चंद्रमा आ जाएंगे 5 जून को, 5 को भी रहेंगे 6 को भी रहेंगे। 10वें भाव में कोई ग्रहण नहीं, 11वें भाव लाभ भाव में शनि है, जो शनि बहुत लंबे टाइम पर रहेंगे यहाँ अपनी मूल त्रिकोण राशि में कुंभ में बड़े उच्च के हैं। 12वें भाव में भी कोई ग्रहण नहीं है, तो ये काल पुरुष की कुंडली भी है और मेष राशि की कुंडली भी है। तो मित्रों मेष राशि के लिए कितना जबरदस्त योग बन रहा है, क्या बृहस्पति लग्न में बैठ करके जातक को धार्मिक बना रहे हैं, बृहस्पति जातक को धार्मिक कार्यों से अच्छे कार्यों से लाभ दिला रहे हैं, पैसा दिला रहे हैं। सूर्य भी यहाँ बैठे धनुराग में, तो सूर्य भी बहुत अच्छा चमत्कृत कर रहे हैं, मतलब जिंदगी को धन को खूब धन दे रहे हैं सूर्य, और शनि तो जो लाभ भाव में बैठकर लाभ ही लाभ दे रहे हैं, सब तरह से लाभ, विभिन्न स्रोत से लाभ, व्यापार से लाभ, नौकरी से लाभ, बड़े भाई बहनों से लाभ, और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है पंचम और बृहस्पति की नवम। कहाँ पड़ रही है? चंद्रमा भाग्य भाव में है, बृहस्पति लग्न में है, तो लग्न में और भाग्य भाव में नवम पंचम बन रहा है। तो चंद्रमा यहाँ बैठ करके 2.5 इंच तक भाग्य को आसमान तक पहुंचा देंगे। मेष राशि का भाग्य वर्धन होगा, कहाँ भाग्य जाएगा आसमान पर, और मेष राशि पर यानी बृहस्पति पर चंद्रमा की दृष्टि पंचम और नवम ये योग बन रहा है नवम पंचम, इसकी वजह से जो है मेष राशि बल्ले बल्ले मेष राशि करोड़पति राशि, मेष राशि के साथ नवम पंचम योग तो बन ही रहा है, प्लस शुक्र मंगल भी बहुत जबरदस्त लाभ दे रहे हैं शुभ स्थान में बैठ करके, और कर्म स्थान पर दृष्टि पड़ रही है शुक्र की, तो व्यापार में व्यवसाय में नौकरी में सब में तरक्की ऊंचाई को छुएंगे। और शनि महाराज तो बहुत यानी 11वें भाव में लाभ भाव में लाभ ही लाभ दे रहे हैं, शनि महाराज यहाँ से लाभ दे रहे हैं और दृष्टि पड़ रही है पंचम में, तो पंचम में दृष्टि पड़ने से संतान को भी लाभ, शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की, प्रेम प्रसंगों में तरक्की, प्रेम विवाह भी हो सकता है। इस तरह से मेष राशि को नवम पंचम योग से जो कि बृहस्पति का चंद्रमा का बन रहा है भाग्य भाव में लग्न में, उससे तो जो लाभ मिल रहा है मिल ही रहा है, साथ साथ में शुक्र मंगल शनि बुध और सूर्य इन सब की भी विशेष कृपा मिल रही है। तो मेष राशि तो मित्रों नवम पंचम से भी लाभ पा रही है, और वैसे भी ग्रहों की स्थितियों से भी, सूर्य की स्थिति से, शनि की स्थिति से, शुक्र की स्थिति से, बहुत जबरदस्त बुध की स्थिति से बहुत लाभ अभी लाभ पा रही है, और आगे 2 दिन बाद भी जब बुध यहाँ आ जाएंगे धनभाव में तो और लाभ पाएगी, क्यों बुध की राशि जो है 3 और 6 ये जो है 3रे भाव में 6रे भाव में बैठी है, तो ये भी बुद्ध जब उच्च के होंगे तो लाभ ही पहुंचाएंगे ये राशियां। तो इस तरह से मित्रों मैं देखता हूँ एक राशि जो कि करोड़पति राशि बन रही है, पहली राशि जिसका नाम मैं रखूं कि मेष राशि, यानी मेष राशि जो है करोड़पति राशि है, पहली राशि मेष राशि करोड़पति राशि है। अब मैं वीडियो को छोटा करके अलग अलग नहीं बनाऊंगा पाठ में राशि का, मैं सोचता हूँ एक ही में बन जाए तो थोड़ा लंबा बन जाएगा, तो आप धैर्य से पढ़िएगा पूरा देखिएगा। आप देखिए मेष राशि के बाद मैं चर्चा करूंगा दूसरी राशि, वो राशि जो लाभकारी है, हर राशि की चर्चा नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, जो करोड़पति राशि बन रही है तो वो राशि मैं ले रहा हूँ। देखिए मित्रों मिथुन राशि, मिथुन राशि का मतलब होता है तीसरी राशि, ये मिथुन राशि तीसरी राशि अब कहाँ आ गई, लग्न में आ गई, यानी ये पहले भाव में आ गई, तो यहाँ नंबर 1 मान लीजिए तीसरी राशि को, यहाँ आ गई, तो यहां से गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, तो तीसरी राशि में जब ये घूम जाएगा 3 यहाँ आ जाएगा, तो 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 9 वाला ये जो चंद्रमा है यहाँ 3 है, तो चंद्रमा आ जाएगा सप्तम भाव में, मिथुन राशि के लिए चंद्रमा आ जाएगा सप्तम भाव में, 9वीं राशि यहाँ आ जाएगी, चंद्रमा यहाँ आ गया और 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, तो बृहस्पति यहाँ आ गए। तो बृहस्पति कहाँ है मिथुन राशि के लिए, बृहस्पति तो लाभ भाव में आ गए, बुध भी है बृहस्पति राहु भी, और चंद्रमा आ गया सप्तम भाव में, परिवार के भाव में, पति पत्नी के भाव में,
बिजनेस व्यवसाय के भाव में, पार्टनर्स के भाव में, तो पार्टनर्स के भाव में, व्यवसाय के भाव में यहाँ चंद्रमा और बृहस्पति लाभ भाव में। तो ये जो नवम पंचम योग बना, कहाँ बना? सप्तम भाव से और ग्यारहवें भाव से। तो ये भाई बहुत जबरदस्त है मिथुन राशि के लिए, तो मेष राशि से भी ज्यादा अच्छा स्वर्ण काल है, क्योंकि लाभ भाव में और सप्तम भाव में तो परिवार में, कुटुंब में, पति पत्नी के बीच में अच्छा, बहुत बढ़िया संबंध, और व्यवसाय में पार्टनर्स का अच्छा सहयोग, व्यवसाय तरक्की करेगा बहुत जबरदस्त। और देखिए जब तीसरी राशि यहाँ आ गई, ये तो ये यहाँ पर बताया मैंने बृहस्पति पहली राशि है, तो एक दो तीन चार, चार यहाँ पे आया, तो चार पे गया शुक्र और मंगल यहाँ आ गए। तो शुक्र और मंगल धन भाव में, भाई वाह क्या कह रहे, शुक्र मंगल धन भाव में मिथुन राशि के लिए, बृहस्पति लाभ भाव में, चंद्रमा सप्तम भाव में, बड़ा जबरदस्त योग बन रहा है। चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह, और ग्यारह माने शनि कुंभ राशि, तो ग्यारहवा आ गया भाग्य भाव में, भाई वाह जबरदस्त। मिथुन राशि के लिए शनि भाग्य भाव में, बृहस्पति लाभ भाव में, चंद्रमा सप्तम भाव में, पति पत्नी के भाव में, और बृहस्पति तो बताया मैंने यहाँ ही है, और मंगल शुक्र धन भाव। तो मिथुन राशि की तो भाई आप समझ लीजिए मेष राशि से भी ज्यादा मल्टीपल, करोड़पति अरबपति कहूं तो भी थोड़ा है नहीं, मिथुन राशि का तो बहुत ही ज्यादा स्वर्ण काल है मित्रों। तो मेष राशि के बाद जो दूसरी राशि करोड़पति राशि है वो है मिथुन राशि, यानी मिथुन राशि वालों खूब लाभ उठा लो। नवम पंचम योग का 5 और 6 जून को चंद्र का गुरु का, तो नवम पंचम बन रहा है, चंद्रमा सप्तम भाव में और गुरु ग्यारहवें भाव में, बाकी ग्रह मैंने बता दिया शनि कहाँ, मंगल कहाँ, शुक्र कहाँ, तो ये सब बहुत जबरदस्त बन रहा है योग। किसके लिए? मिथुन राशि के लिए। तो अब ये दो राशियां हो गई मित्रों, मेष और मिथुन, क्या करोड़पति राशियां। अब तीसरी राशि कौन सी हो सकती है मित्रों, मैं सोचता हूँ। देखिए अब आप तीसरी राशि मानिए सिंह राशि, यानी पांचवी राशि, तो पांचवी राशि यहाँ आ जाएगी, सिंह राशि यहाँ आ जाएगी, तो पांच यहाँ मान लीजिए, तो सिंह राशि पांच के लिए, ये देखिए एक पांच के लिए, पांच छ सात आठ नौ, नौ माने धनु राशि जो यहाँ आ गई, तो सिंह राशि के लिए चंद्रमा आ गए कहाँ, पंचम भाव में, और चार तीन दो एक बृहस्पति आ गए नवम भाव में, तो ये त्रिकोण में ये सच्चा नवम पंचम राजयोग कहलाता है, क्योंकि ये भी पंचम भाव है ये नवम भाव है, तो चंद्रमा पंचम में बैठा है या केंद्र से, और ये त्रिकोण बनता है यहाँ से लग्न से ये, और ये नवम में बैठे हुए हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव अपनी ही राशि धनु राशि में उच्च के होकर बैठे हुए हैं, धनु राशि में, धनु राशि में चंद्रमा आ गए, लेकिन धनु राशि मीन्स नाइन्थ हाउस में, नवे भाव में बृहस्पति आ गए, यानी कौन सी राशि आ गई, मेष राशि आ गई। यहाँ मेष राशि में बृहस्पति बुध और राहु, और यहाँ पर जो धनु राशि में चंद्रमा, तो नवम पंचम का योग बनता है किसके लिए, सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए नवम पंचम का योग, यानी चंद्रमा जो है धनु राशि में यहाँ आ गए, बृहस्पति यहाँ आ गए, बृहस्पति लाभ भाव में, भाई बृहस्पति भाग्य भाव में क्या करेंगे, भाग्य तो बढ़ाएंगे, भाग्य वर्धन करेंगे, भाग्य को आसमान पर ले जाएंगे, तो सिंह राशि के जातकों का भाग्य आसमान पर जाएगा, भाग्यवश जो काम करेंगे, यानी यहाँ पर एक, यहाँ पर दूसरी राशि है और यहाँ पर सूर्य है, इसका मतलब तो सूर्य भी जो है देख रहा है यहाँ चौथे भाव को, सुख कारक यानी सुख और भूमि भवन कारक, तो सूर्य जो यहाँ से, और एक दो तीन चार शुक्र और मंगल बारहवें भाव में होंगे, थोड़ा खर्चा कराएंगे लेकिन विदेश से लाभ भी लाएंगे, शुक्र विदेश से बारहवें भाव में करके यानी चौथी राशि में आएगी, तो विदेश से व्यापार, विदेश से नौकरी, विदेश जाना आना, जो जिनका व्यापार विदेश में चल रहा है उनको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए नवम पंचम राजयोग, पंचम में और नवम भाव में चंद्रमा और बृहस्पति, और यहाँ पर शुक्र और मंगल, और देखिए शनि कहाँ जाएंगे, शनि देखिए ये जो है पहला भाव 12 11 शनि जो है सप्तम में बैठे होंगे, तो शनि सप्तम भाव में बैठ करके
परिवार में, कुटुंब में, व्यापार में सहयोगियों में, पार्टनर्स में, सभी में सहयोग दिलाएंगे। शनि धीमे धीमे होता है काम, पर धीमे धीमे ही लाभ होगा। शनि शनि चरती शनि, तो शनिश्चर आए तो शनिश्चर जो है यहाँ बैठ करके सप्तम में लग्न को देखेंगे। लग्न के अलावा शनि जो है, आप देखिए दृष्टियाँ पड़ती हैं एक दो तीन, यह दृष्टि पड़ेगी शनि की, कहाँ बृहस्पति पे, जहाँ नवम पंचम बन रहा है, तो बृहस्पति की पर तीसरी दृष्टि शनि की, राहु पर शनि की, वो भी लाभ ही दिलाएगी। वो शनि को, शनि जो है बृहस्पति को ताकत देंगे, गुरु को और राहु को ताकत देंगे, बुध को ताकत देंगे। तो यहाँ पर शनि की ताकत 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 शनि यहाँ देखेंगे, शनि यहाँ देखेंगे। तो शनि की दृष्टियों से भी लग्न में और सुख भाव में, सुख भाव में देखिए मैंने बताया आपको कि यहाँ पर सुख भाव में जो है, यहाँ से नंबर 2 सूर्य देखेंगे, यहाँ सूर्य होंगे, यहाँ देखेंगे, और सुख भाव में शनि की दृष्टि भी आएगी। तो भाई सिंह राशि वालों, ये भी आप मतलब थोड़ा खर्चा तो होगा कि यहाँ शुक्र मंगल आ गए 12वें भाव में, चौथी राशि आ गई है, लेकिन खर्चा के साथ साथ विदेश से लाभ होगा। और नवम पंचम राजयोग से तो करोड़पति राशि है, बहुत लाभ होने वाला है। सिंह राशि वालों को शनि की गोचर से, बृहस्पति के गोचर से और सूर्य के गोचर से और शुक्र मंगल के गोचर से, इन सभी गोचरों से बहुत जबरदस्त लाभ होगा। चंद्रमा तो खुद यहाँ बैठे होंगे, तो चंद्रमा प्रेम प्रसंग में लाभ दिलाएंगे, चंद्रमा संतान को लाभ दिलाएंगे, संतान से कोई अच्छी खबर मिलेगी, संतान की तरक्की होगी, संतान की प्रोन्नति हो सकती है, संतान एजुकेशन में अच्छा काम कर सकती है, कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है, संतान के बारे में अच्छी खबर आ सकती है। तो ये 5 और 6 2 दिन जो है, दो क्योंकि चंद्रमा ढाई दिन के लिए आते हैं, तो आप 5 और 6 तो मान ही लीजिए, 5 और 6 जून को सिंह राशि के लिए भी बहुत जबरदस्त करोड़पति योग बन रहा है। तो तीसरी राशि जो करोड़पति राशि है उसको मैं यहाँ लिख लूँ, वो है सिंह राशि, यानी मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तीन राशियां तो करोड़पति अभी तक हो गई। अब मैं देखता हूँ चौथी राशि कौन सी है जो करोड़पति हो सकती है भाइयों, तो उसकी चर्चा मैं करता हूँ। अगली राशि देखिए, वृश्चिक राशि को देखिए आप, वृश्चिक राशि का मतलब 8वां। अब 8वीं राशि जो है लग्न में आ जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ से गिनी 8 से, 8 यहाँ पर है 8, तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 बृहस्पति यहाँ होंगे सिंह राशि के, यहाँ होंगे बृहस्पति, बुध, टेम्परेरी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, पहला भाव होगा किसके लिए, वृश्चिक राशि के लिए, वृश्चिक राशि यहाँ होगी 8 नंबर, टेम्परेरी लिख रहा हूँ, हटा दूंगा मैं यहाँ से 8, और देखिए 8, 9, 9 का मतलब ये धनु राशि, ये 9, तो इसका मतलब चंद्रमा यहाँ होंगे, तो वृश्चिक राशि के लिए चंद्रमा धन भाव में आ गए, और चंद्रमा यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 बृहस्पति को देख रहा है, तो पंचम, और बृहस्पति से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नवम पंचम योग बन रहा है वृश्चिक राशि के लिए धन भाव में और छठे भाव में। छठे भाव में बृहस्पति है, छठे भाव में बृहस्पति रोग ऋण से मुक्ति दिलाएंगे, राहु भी है तो शत्रु हंता भी है, और विदेश में भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो विदेश व्यापार से लाभ होगा, लेकिन थोड़ा खर्चा भी हो सकता है क्योंकि 12वां भाव खर्चे के भाव होता है। लेकिन आप देखिए यहाँ से यहाँ नवम पंचम योग बना चंद्रमा और बृहस्पति, देखा आपने, ये मतलब धन भाव है, यानी धन भाव में चंद्रमा आके क्या करेगा यार, धनी तो देगा, बहुत धन देगा, चंद्रमा से धन मिलेगा, बृहस्पति यहाँ क्षति में है तो बृहस्पति रोग ऋण से मुक्ति दिलाएंगे, बैंक का कर्जा आपका छुड़ाएंगे, कोर्ट कचहरी में लाभ दिलाएंगे, आप जीत जाएंगे, और यहाँ से 12वीं मतलब राशि को देख रहे हैं तो विदेश से भी लाभ दिलाएंगे बहुत जबरदस्त। और देखिए यहाँ पर नवा भाव है 10, 11, तो यहाँ पर 11 होगा, यानी यहाँ पर शनि होंगे, तो शनि चौथे भाव में वृश्चिक राशि के लिए, शनि यहाँ से क्या करेंगे यहाँ भी देखेंगे, कहाँ कर्म क्षेत्र को, तो कर्म स्थान को शनि बहुत जबरदस्त, यहाँ पर 8, 7, 6, 5, 4, तो यहाँ पर 4 का मतलब यहाँ शुक्र और मंगल होंगे। भाई शुक्र मंगल
वृश्चिक राशि के लिए शुक्र मंगल यहाँ आए तो शुक्र मंगल कहाँ है भाई, भाग्य भाव में, तो शुक्र भाग्य को कहाँ ले जाएंगे, आसमान को ले जाएंगे, तो शुक्र भाग भाव को आसमान को ले जाएंगे। और देखिए शनि जो है यहाँ चौथे भाव में दशम को राशि डाल रहे हैं, एक दो तीन छठे में भी, ये भी कारक, शनि का कारक स्थान है, यहाँ दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति बुद्ध पे, तो इनको बल मिल रहा है राहु पे। और चार पांच छह सात यहाँ दृष्टि है, आठ नौ दस शनि की दृष्टि लग्न पे पड़ रही है, मंगल की राशि वृश्चिक, तो लग्न को भी शनि जो है बलवान बना रहे हैं। अगर आप आलस त्याग देंगे, मेहनत से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो लग्न पर शनि की दृष्टि से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, बलवान रहेगा, बड़ी मेहनत से कार्य करेंगे आप। तो मित्रों वृश्चिक राशि के लिए भी मैं देख रहा हूँ बहुत जबरदस्त नवम पंचम जो बन रहा है, चंद्रमा जो है देखिए, यानी मैंने बताया ना आष्ट यहाँ पर है, तो बृहस्पति यहाँ पे है और चंद्रमा नवा यहाँ पर है, कहाँ चंद्रमा धन भाव में, तो धन भाव के चंद्रमा भाई धन ही तो देंगे ना, बहुत जबरदस्त धन देंगे। तो ये राजयोग कहिए पंचम नवम पंचम का दूसरे भाव से छठे भाव से वृश्चिक राशियों के लिए भी अपार धन संपदा दे रहा है, बहुत ज्यादा विशाल संपदा मिल रही है मित्रों। तो ये मैंने इसको हटा दिया तो ये फिर काल पुरुष की कुंडली बन गई या मेष राशि की बन गई। तो अब देखिए मैं लिखता हूँ चौथी राशि जो है क्या है, वो वृश्चिक राशि। वृश्चिक में भी जो है करोड़पति राशि है, अपार धन संपदा, सुख संपदा, संतान को तरक्की, सबको तरक्की होगी। तो चार राशियां तो देखिए करोड़पति राशियां हो गई, अब देखता हूँ कोई और राशि भी बनती है क्या। देखिए पांचवी राशि जो करोड़पति राशि हो सकती है उसको मैं मानता हूँ, देखिए मीन राशि, जब मीन राशि की चर्चा करता हूँ तो ये बारहवीं राशि यहाँ आ जाएगी, तो ये सब आगे बढ़ जाए, ये बारहवा हो गया तो ये जो है नवा यहाँ आ जाएगा, यानी चंद्रमा आ जाएगा कहाँ मीन राशि के लिए, अगर ये बारहवा यहाँ आ गया तो चंद्रमा देखिए यहाँ आ जाएगा, नौ चंद्रमा यहाँ आ जाएगा, बारह यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो एक यहाँ पर है, तो बृहस्पति यहाँ पे आ गए। तो भाई यहाँ से देखिए दसवें भाव में और बृहस्पति धन भाव में दूसरे भाव में बहुत जबरदस्त चंद्रमा का, एक दो तीन चार पांच और यहाँ से नौ, नवम पंचम राजयोग बन रहा है चंद्रमा का बृहस्पति का, बृहस्पति धन भाव में बैठकर धन की बारिश करेंगे, बुध भी बैठे हैं यहाँ पर, और देखिए चंद्रमा और बुध देखिए दो दिन बाद बुध जो यहाँ आ जाएंगे अपनी राशि में 7 जून को, ये मैं 5-6 की बात कर रहा हूँ, तो बुध यहाँ आ जाएंगे तो और जबरदस्त, बुध अपनी राशि में आ जाएंगे मिथुन राशि में, पर अभी तो बुध जो है अभी तो अभी अरे नहीं सूर्य यहाँ आ जाएंगे सॉरी, लेकिन बुध अभी तो पहली राशि में, बुध यहाँ आएंगे फिर बुध 24 तारीख को यहाँ आ जाएंगे, 24 जून को बुध आ जाएंगे सूर्य के पास यहाँ पर, तब जो है बहुत जबरदस्त बुध आदित्य राजयोग बनेगा। तो आगे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं 5-6 जून की बात कर रहा हूँ, जबकि नवम पंचम का योग बन रहा है। तो ये बारहवीं राशि के मीन राशि के लिए आप देखिए बृहस्पति धन भाव में, चंद्रमा दसवें भाव में कार्य स्थान में, तो कार्य कर्म क्षेत्र में चंद्रमा धन भाव में बृहस्पति, बहुत जबरदस्त राजयोग है, इसको आप करोड़पति कहिए अरबपति कहिए। मीन राशि के लिए भी मिथुन की तरह से बड़ा जबरदस्त योग है, धन भाव में और कर्म स्थान में, तो नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रमोशन, वेतन वृद्धि, और यहाँ से धन मिलेगा, कर्म करेंगे धन आएगा, कर्म करेंगे धन आएगा। तो ये 9, 10, 11 शनि यहाँ आ जाएंगे, शनि आ जाएंगे कहाँ पर बारहवें भाव में, तो शनि थोड़ा खर्चा कराएंगे लेकिन विदेश से लाभ दिलाएंगे मित्रों। तो इसका ध्यान रखिए आपके मीन राशि के लिए भी जो है, मीन राशि जब यहाँ आ गई तो बहुत सफलता दिला रही है, सफलता किसको मिल रही है नवम पंचम से, चंद्रमा यहाँ है और बृहस्पति यहाँ है, तो ये नवम पंचम जो योग बन रहा है मीन राशि के लिए भी बहुत ही ज्यादा शुभ है। तो एक दो तीन चार पांचवी राशि होगी देखिए मीन, मीन राशि के लिए भी मिथुन की तरह से बहुत गोल्डन पीरियड है। तो मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये पांच राशियां हैं जो कि बहुत नंबर वन टॉप पे जा रही हैं, यानी करोड़पति नंबर वन कही है इनको, टॉप टॉप राशियां पांच जो है करोड़पति हैं। तो और देखिए इसके नीचे कुछ थोड़ा और नंबर दो पे कोई राशि आती है क्या, यानी इससे थोड़ा कम लाभ हो, करोड़पति राशि हो लेकिन थोड़ा कम,
वो कौन सी हो सकती है? तो देखिए ये मेष और मिथुन और सिंह और ये सब के मैं खत्म करने के बाद अब देखता हूँ कि कुछ और राशि भी जो कि अच्छा कर रही हूँ। तो देखिए अब मैं देखता हूँ धनु राशि। तो धनु राशि के लिए भाई क्या हुआ? धनु राशि के लिए, धनु राशि में तो खुद चंद्रमा है, चंद्रमा धनु राशि में आ रहे हैं, तो चंद्रमा आ गए यहाँ पर, धनु राशि नवी राशि यहाँ आ गई और चंद्रमा आ गए यहाँ पर। तो धनु राशि के लिए चंद्रमा जो है लग्न में पहले भाव में आ गए और ये नवी राशि हो गई, तो 10-11 शनि यहाँ आ गए टेम्परेली, मैं कहूँ 11 और 12-1 यहाँ, तो बृहस्पति और बुध और राहु यहाँ आ गए, चंद्रमा यहाँ आ गए धनु राशि के लिए भाई। तो लग्न में चंद्रमा 1, 2, 3, 4, 5 और पंचम स्थान में बृहस्पति, तो पंचम और लग्न का पहले का पांचवें भाव का बन गया क्या? नवम पंचम राजयोग, यहाँ से नवम और यहाँ से पंचम, तो नवम पंचम राजयोग धनु राशि के लिए बन तो रहा है, लेकिन कहाँ बन रहा है? लग्न में बन रहा है और पंचम भाव में बन रहा है। और देखिए बाकी ग्रह जो है शनि बैठे हैं यहाँ पर, तो ज्यादा लाभ नहीं दे रहे शनि यहाँ पर, कर्म पराक्रम कराएंगे, परिश्रम कराएंगे, थोड़ी बहुत यात्रा करा सकते हैं, तो बहुत ज्यादा धन संपदा लाभ नहीं मिल रहा है। हाँ मिल तो रहा है, कुछ यात्रा कराएंगे उसमें लाभ मिल रहा है। और देखिए शनि पंचम में है, सॉरी बृहस्पति पंचम में है, तो बृहस्पति या शिक्षा में तरक्की करा सकते हैं, बच्चों की संतान को लाभ दिला सकते हैं, प्रेम प्रसंग में लाभ दिला सकते हैं। तो ये रहा एक। दो सूर्य यहाँ पर है तो कोई ज्यादा अच्छा नहीं, केवल रोगहनता बीमारी ठीक हो जाएगी, शत्रुघनता। और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो बदाम चंद्रमा है यहाँ पर, और 1, 2, 3, 4 शुक्र और मंगल चौथी राशि यहाँ आई, शुक्र और मंगल भी जो है अच्छे नहीं है, अष्टम भाव में है तो कोई ज्यादा बढ़िया नहीं है। तो देखिए धनु राशि के लिए नवम पंचम बन रहा है पहले भाव में पंचम भाव में, पर बाकी ग्रह शुक्र व मंगल शनि यहाँ और ज्यादा अच्छा फल नहीं दे और ग्रह जो है, और सूर्य जो है बताया मैंने यहाँ पे है, तो सूर्य और सूर्य मंगल सूर्य शुक्र मंगल शनि ये सब जो है ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। केवल नवम पंचम तो बन रहा है पांचवें भाव में पहले भाव में, तो लाभ तो आएगा। तो मैं कुंभ राशि को उतना नहीं मानता जितना कि मिथुन राशि या सिंह राशि या वृश्चिक राशि या मीन राशि के लिए माना था, तो मैं इसको सिंह राशि को मैं नंबर 2 पर लिखता हूँ। सॉरी ये जो नवम धनु राशि है, धनु राशि को मैं नंबर 2 पर ला रहा हूँ, यानी महाधनी तो है पर करोड़पति नंबर 2 पहली राशि है उसे थोड़ा नीचे, तो एक राशि यानी छठी राशि, पांच राशियां करोड़पति, छठी राशि थोड़ा कम करोड़पति। और देखिए सातवीं राशि और कोई आती है क्या? सातवीं राशि है, मैं देखता हूँ अभी मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कि सातवीं राशि कौन सी हो सकती है। इसको जरा मैं रब कर दूँ, ये टेम्प्रेरी मैंने लिखा था। देखिए सातवीं राशि जो आएगी वो आती है अब कुंभ राशि। कुंभ राशि का मतलब नवी कुंभ राशि का मतलब 11वीं राशि, तो 11वीं राशि ये आ गई, यहाँ शनि है, 11वां 10वां 9वां, तो 9वां ये हो गया, यानी 9वां का मतलब चंद्रमा यहाँ आ गया। और 11, 12, 1 ये 1 यानी बृहस्पति यहाँ आ गए, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 चंद्रमा से बृहस्पति पंचम और बृहस्पति से चंद्रमा नवम, तो नवम पंचम राजयोग यहाँ ये कॉर्नर्स ये जो त्रिकोण भाव है लाभ भाव में, और ये भाव अच्छा नहीं है तीसरा भाव बृहस्पति के हिसाब से। तो भाई 11वीं राशि यानी कुंभ राशि के लिए बना नवम पंचम, लेकिन चंद्रमा तो बैठे अच्छे भाव में, लाभ भाव में लाभ देंगे, लेकिन बृहस्पति कहाँ है? तीसरे भाव में, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। तो इसको भी मैं मानता तो हूँ कि नवम पंचम तो बन रहा है, लेकिन नवम पंचम उतना अच्छा नहीं बन रहा जितना अच्छा मेष सिंह और मिथुन या मीन उसके लिए बना था या वृश्चिक के लिए बना था। तो
धनु की तरह से ही मैं समझता हूँ इस राशि के लिए, यानी कौन सी राशि, कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए भी मैं धनु कुंभ के लिए नंबर दो, यानी टॉप राशियों से नीचे थोड़ा सा। नवम पंचम तो बना, लाभ भी देगा, पैसा भी आएगा, सुख भी आएगा, लेकिन उतना नहीं जितना कि पहली पांच राशियों को। तो पांच राशियां टॉप पे और दो राशियां थोड़ा नीचे, क्योंकि इसका नवम पंचम जो है, नवम पंचम में देखिए शनि जो है खुद यहाँ बैठे हुए कुंभ राशि में, चंद्रमा यहाँ है, चंद्रमा अच्छे है और बृहस्पति उतने अच्छे नहीं है। और ये तीसरा है, देखिए ये भाव कौन सा है, पहला बृहस्पति, दो तीन चार, और शुक्र मंगल भी देखो चौथा यहाँ आएगा, तो शुक्र और मंगल भी छठे भाव में आ गए, ठीक है ना। और सूर्य जो भी यहाँ आएंगे दो में, लेकिन ये शुक्र मंगल चौथे छठे भाव में ठीक नहीं है, और बृहस्पति भी ठीक नहीं है, शनि लग्न में चलो ठीक है, चंद्रमा यहाँ ठीक है, तो ये बना तो सही नवम पंचम कुंभ का, लेकिन नंबर दो बना। तो ये होगी दो राशियां जिनके लिए करोड़पति नंबर दो कहिए आप। तो पांच राशियां टॉप पर नंबर वन, दो राशियां नंबर दो। और भी कोई राशि जिसके लिए कोई बार नहीं हो या अच्छा ना हो खराब हो, तो मैं देखता हूँ जरा, देखिए और कोई राशि हो सकती है क्या, बाकी जो राशियां बची कौन कौन सी बचती है, अब देखिए जो मैंने लिखा, अब देखिए वृषभ राशि बची, तो देखिए वृषभ राशि के लिए मैं चर्चा कर देता हूँ। वृषभ राशि के लिए या वृष राशि के लिए यहाँ पर दो आया और यहाँ पर एक आया, बृहस्पति यहाँ आए, और दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ यहाँ आया, देखिए ये क्या आया, चंद्रमा। तो भाई चंद्रमा अष्टम भाव में खराब, बृहस्पति बारहवें भाव में खराब, खर्चा वाले, तो और सूर्य यहाँ पर आए वृषभ राशि के लग्न में, तो वृषभ राशि के लिए चंद्रमा का बृहस्पति का एक दो तीन चार पाँच नवम पंचम तो बना, पर कहाँ बना, बारहवें भाव में आठवें भाव में, तो बारहवें भाव आठवें भाव दोनों खराब भाव में, तीन छ आठ, ये तीन छ आठ बारह ये भाव, तो अब आठवें और बारहवें बना, तो वृषभ राशि का क्या हुआ, ये अच्छा नहीं है, खराब, मैंने क्रॉस लगा दिया, वृषभ राशि के लिए खराब भाव में बन रहा है नवम पंचम, तो खर्चा ज्यादा होगा क्योंकि बृहस्पति बारहवें में, और ये भी कोई आमदनी दिला रहे, चोट चपेट लग सकती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा दुर्घटना ना हो जाए। तो वृषभ राशि वालों आपको सावधानी है, सावधान रहेंगे दुर्घटना से बचेंगे और खर्चा सोच समझ के करेंगे, ऐसा पैसा खर्च ना करें जिसमें आपको मांगना पड़ जाए कहीं से। तो वृषभ राशि की हालत अच्छी नहीं है, तो वृषभ राशि जो है खराब राशियों में से नवम पंचम तो बनना है, लेकिन खराब भाव में बनना है, नवम पंचम जो है अच्छा नहीं बनना, यानी आठवें में और बारहवें भाव में, तो वृषभ राशि के लिए मैंने क्रॉस कर दिया। अब देखिए और कौन सी राशि आती है, मिथुन दक्षिण में आ गई चौथी कर्क, तो कर्क राशि के लिए मैं देखता हूँ और क्या होगा। देखिए कर्क राशि की आ गई नंबर चार, चार में यहाँ लिख दूं, मान लीजिए चार में शुक्र और मंगल तो होंगे, ये तो सही है, और तीन दो एक यहाँ आई, तो एक बृहस्पति आ गए यहाँ पर एक, और चार पाँच छ सात आठ नौ चंद्रमा यहाँ आ गया नवी राशि में, तो भाई कर्क राशि के लिए बृहस्पति तो अच्छे है, बृहस्पति तो कर्म स्थान में आ गए, पर चंद्रमा तो छठे भाव में आ गया ना, सब खराब हो गया, खेल खराब हो गया, तो जैसे वृष राशि के लिए खेल खराब हुआ था, कर्क राशि के लिए भी नवम पंचम तो बना, लेकिन चौथे भाव से, सॉरी दसवें भाव से और छठे भाव से बना, और बाकी ग्रहों की भी अच्छी पोजिशन नहीं होगी, क्योंकि ये नवा है आठ सात छ पाँच चार कर्क यहाँ, शुक्र मंगल तो ठीक बैठे हुए हैं, और तीन दो यहाँ सूर्य भी चलो ठीक है, लेकिन मेन मेन चंद्रमा बहुत खराब हालत में है, बहुत खराब घर में छठे भाव में, तो कर्क राशि भी मैं क्रॉस कर देता हूँ वृष की तरह से, वृष और कर्क दोनों के लिए हानिकारक है, खर्चा कराने वाला धन नहीं आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि वृषभ और कर्क वालों आपके लिए नवम पंचम तो बन रहा है लेकिन अच्छा नहीं बन रहा है। और कौन सी राशि आती है, देखिए मैंने देखा था जो बताया था अच्छी राशियों में से मेष थी, मिथुन थी, सिंह थी, और उसके बाद क्या आएगी, कन्या और तुला, तो कन्या के लिए देखता हूँ मैं, कन्या तो कन्या के लिए देखिए भाइयों,
कन्या के लिए मित्रों ये टेम्पररी मैं बनाया था, इसको हटा देता हूँ। तो कन्या के लिए मित्रों, कन्या राशि यानी छह यहाँ आ गई, तो छह जब यहाँ आ गई तो सात आठ नौ, नौ का मतलब यहाँ चंद्रमा यहाँ आ गया और दस ग्यारह शनि यहाँ आ गया और बारह और एक बृहस्पति आ गए आश्रम में, एक दो तीन चार शुक्र मंगल चार। तो ये कन्या राशि नंबर छह जब लग्न में पहले में आती है तो भाई चंद्रमा धनु राशि आती है चौथे भाव में, धनु राशि यहाँ आ गई और बृहस्पति आ गई मित्रों अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव के बृहस्पति भी खराब है, खराब भाव में अच्छे ग्रह बैठेंगे तो खराब चल आएगा, खराब भाव में पूर्ण ग्रह बैठता है तो अच्छे फल आता है, जैसे कि शनि हो मंगल हो ऐसे ग्रह राहु केतु हो। तो मित्रों बृहस्पति यहाँ अष्टम भाव में बहुत ही खराब फल देने वाले हैं और चंद्रमा यहाँ अच्छा है, चंद्रमा तो बढ़िया है चौथे भाव में शुभ भाव में। तो कन्या राशि के लिए मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है। तो नवम पंचम तो बन रहा है लेकिन नवम पंचम अच्छा नहीं बन रहा है, कुछ ग्रह तो अच्छे हैं, मंगल शुक्र अच्छे बैठे हैं लेकिन बृहस्पति बुध राहु अष्टम में, बुध बृहस्पति अच्छे नहीं है। तो वृष राशि कर्क राशि कन्या राशि तीन तो ये हो गए, मैं देखा था पांच बहुत अच्छी थी, टॉप दो नंबर दो में सात और तीन जो हो गई दस, अभी दो राशि और बचती है। तो अब मैं देखता हूँ दो राशि जो बची है उनमें एक है तुला, तुला राशि के लिए मतलब सात, सातवां नंबर यहाँ आ गया, सातवां नंबर यहाँ आ गया केतु होगा साथ में और सात आठ नौ तो चंद्रमा यहाँ आ गए नौ, दस ग्यारह शनि यहाँ आ गए, बारह एक बृहस्पति यहाँ आ गए, एक दो सूर्य यहाँ आ गए। तो ये टेम्पररी मैंने बना दिया उसको कि जब तुला राशि की बात करता हूँ मैं, तो बृहस्पति तो अच्छे हैं सप्तम भाव में आ गए लेकिन चंद्रमा तीसरे भाव में आ गए, तो वो चार राशियां जिनमें चंद्रमा यहाँ आए यहाँ आए यहाँ आए यहाँ आए या बृहस्पति यहाँ आए यहाँ आए यहाँ आए, वो नवम पंचम खराब रहेंगे। उनमें एक ग्रह तो अच्छा रहेगा, चंद्रमा अच्छा रहेगा तो बृहस्पति खराब, बृहस्पति अच्छे रहेंगे तो चंद्रमा खराब। तो भाई तुला राशि के लिए भी मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, जैसे कि वृषभ कर्क कन्या तुला इनके लिए अच्छा नहीं है, इनको खर्चे में ध्यान रखना होगा, पैसा बचाना होगा, दुर्घटना से बचना होगा, संतान की चिंता करनी होगी। तो मित्रों ये जैसे कि मैं बता रहा हूँ इनको भी जो है टेम्परेरीली मैंने बनाया था यहाँ पर, ये तुला राशि के लिए भी ये योग नवम पंचम अच्छा नहीं है। एक दो तीन चार राशियाँ हो गई, अब पांचवी राशि और बचती है, वो कौन सी है? मकर राशि। मकर राशि का नंबर दस आ गया, ग्यारह मतलब यहाँ शनि आ गए ग्यारह में, बारह एक बृहस्पति आ गए एक में और दो तीन चार शुक्र मंगल, शुक्र मंगल चार में आ गए और पांच छह सात आठ नौ, नौ में चंद्रमा यहाँ आ गए। तो भाई मकर राशि के चंद्रमा बारह में, किसी के आठवें थे, किसी के छठे में, किसी के तीसरे में, किसी के बारह में, तो वो सब राशियां जिनके लिए चंद्रमा तीन छह आठ बारह में या बृहस्पति तीन छह आठ बारह में आते हैं, नवम पंचम तो बनेगा लेकिन नवम पंचम हानिकारक होगा, पैसा नहीं आएगा, लाभ नहीं आएगा, खर्चा ज्यादा होगा, एक्सीडेंट हो सकते हैं, खर्चा ज्यादा हो सकता है। तो वो राशि मकर राशि के लिए भी चंद्रमा जब यहाँ आ गए बारहवें भाव में तो नवम पंचम अच्छा नहीं बनता है, बृहस्पति तो अच्छे हैं, बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं और तो अच्छा है, शुक्र मंगल भी अच्छे हैं सप्तम भाव में बैठे हुए हैं बढ़िया, लेकिन शनि भी अच्छे धन भाव में बैठे हुए हैं मकर राशि के लिए, लेकिन नवम पंचम तो अच्छा नहीं बनता क्योंकि ये बारहवें भाव में है चंद्रमा, तो ये भी खराब हो गया। तो मित्रों अब मैं बता दूं वृषभ कर्क कन्या तुला मकर एक दो तीन चार पांच, ये पांच राशियां हैं जिनको नवम पंचम वालों को जरा ध्यान रखना है, खर्चा कम करना है, चोट चपेट से बचना है, संतान की रक्षा करनी है, धन की रक्षा करनी है। तो मैंने बता दिया मैं तो पांच राशियां टॉप पर बनाई थी मैंने नंबर वन, कौन कौन सी फिर रिपीट कर दूं, पांच राशियां नंबर वन मेष मिथुन सिंह वृश्चिक और मीन, दो राशियां नंबर दो कौन सी धनु और कुंभ, सात और वृष कर्क कन्या तुला मकर,
ये पांच राशियां इनके लिए नवम पंचम राजयोग अच्छा नहीं है। तो मित्रों, मैंने आपको नवम पंचम के बारे में डिटेल बताया, सात राशियों को अच्छा, पांच राशियों को अच्छा नहीं, सात में से पांच को ज्यादा अच्छा, दो को कम अच्छा, और ये पांच को अच्छा नहीं। तो पांच और छह जून को चंद्र के गुरु के संयोग से नवम पंचम में दृष्टि पड़ने से बृहस्पति का नवम पंचम योग जो बन रहा है चंद्रमा का, वो मैंने लिखा किन किन राशियों को बनाए हुए करोड़पति, तो मैंने बता दिया पांच राशियां करोड़पति, दो राशियां थोड़ा कम और पांच राशियों के लिए अच्छा है। तो मैं यहाँ विराम लूंगा, पर आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में कुछ भी लिखें, कुछ भी पूछें, और कुछ नहीं लिखना है तो महागणेश आय नमः लिखेंगे, भगवान गणेश आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। भगवान गणेश ओम हनुमते नमः लिखें तो भगवान हनुमान आपको सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मित्रों, तो मैं यहाँ विराम लूंगा, नमस्कार।